होटल मैनेजमेंट करना, होटल इंडस्ट्री में काम करना, नॉट ओनली कि किसी का बातों में आके या किसी का फोर्स में आके आप घुस रहे हैं इंडस्ट्री में, आपका अगर रियली में पैशन है ना, तब आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में। क्योंकि देखिए getting late due to pandemic, so they understand. So from there I learned that communication is most important. Most important. If you communicate, if you सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल योर हॉस्पिटैलिटी ट्रेनर। सो गाइस, आज का जो वीडियो है ना वो उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो इंटर्नशिप में जाने वाले हैं या फर्स्ट ईयर में है और मे बी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए। क्योंकि आज जो हमारे साथ जो स्टूडेंट है मिस अंकिता दास, वो आपको ए टू जेड अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी, वो कैसे क्या कि कैसा उसका एक्सपीरियंस रहा है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में क्या क्या उसको फेस करना पड़ा, ठीक है, ए टू जेड सब कुछ आप लोगों के साथ वो डिस्कस करेंगी। बहुत अच्छा एक पर्सनालिटी है, नॉट इवन स्टूडेंट, वो स्टूडेंट तो है लेकिन इतना अच्छा पर्सनालिटी है, इतना पैशनेट पर्सनालिटी है, आप अगर मिलेंगे तभी आप लोग जान पाएंगे। तो चलिए उनसे ही सुन लेते हैं कि कैसे वो अपना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट की है, क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है उनका, चलिए सुन लेते हैं उनसे। सो हाय अंकिता, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। यू आर वेलकम। या सो प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आई गुड इवनिंग, आई एम अंकिता दास एंड आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन मुश्ताबाद, मूव्ड टू कोलकाता फॉर माय एजुकेशन। आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कोलकाता अलोंग विद पीएचडी इन हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम मकाउ। Along with, I have done my industrial training from Chetan Brands, Bangalore B-Grade Gateway. The reason I chose hospitality administration because business is a perfect blend of day-to-day activities and customer service, which I love to serve customers. And in leisure time, I used to socialize with different cultures, different people, different foods. I love to explore all these things. Yeah. Thank you. Yeah, thank you very much. It's really inspiring. It's really thank awesome. You so it's really awesome thank for you. Fraser. So guys, देखिए जो लोग जाना चाहते हैं ना इंडस्ट्रियल, देख सकते हैं कि किस तरीके से ये दिया जाता है, क्योंकि मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाया था इसके ऊपर, ठीक है ना, कि कैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के ऊपर जब कैंपसिंग में आता है, इंटर्नशिप के लिए जब कैंपसिंग में आता है या मे बी जब जॉब के लिए भी कैंपसिंग में जब आता है कैंपस ड्राइव के लिए, तो उस टाइम पे किस तरीके से सेल्फ इंट्रो दिया जाता है। सो इस तरीके से आप लोगों को भी देना है। तो अंकिता, इट्स ऑसम, रियली रियली इंस्पायरिंग, आई अप्रिसिएट यू। Yeah. So now you share your industrial training experience. आप कौन सा department में काम किया है और कैसा आपका experience रहा, कितना घंटा आपको काम करना पड़ता था, ठीक है? So. मेरा experience industrial training का experience actually 4 months है due to pandemic. So I have experience in food and beverage and front office because I love these two department, because in this department I can communicate with people directly, I can communicate. So pehla mera food and beverage day, there are 7 outlets. So first I started with multi cuisine restaurant. Mera subah mein mera training tha subah 7 baje se evening tak 12 hours. Like, I enjoyed my work, so I extended up to 20 hours. Because from morning to night, I worked over there. In the morning, I worked in multi-cuisine restaurant, and in evening, I Persian cuisine restaurant. So, total kitna ghanta kaam karti thi aap? Pehla maine buffet mein kaam kiya. Morning breakfast jo buffet hota hai, usme bahut sara hazard rehta hai. Because there are so many in-house guests in the hotel due to pandemic. So there are lots of sections like continental, Indian, bar, so tea, coffee counter. I explored all these things and I first have to know all the dishes, all which are going to be prepared in the morning, how to serve, how to take the orders. I learned first. So it took around 2 to 3 days. And after that,
I became a supervisor over there because I learned everything, how to clean and how awesome. It was a great, it was great. One thing I would say that jo pressure se, just aapko confidence rehna hai aur aapko umeed rehna hai ki main kar lungi ke. Sabko liye ye. There are also students who cannot work over there just because they think that it's a very hard work, I can't do, or it's a too many hours. If you think this, then you cannot work. If you think that, no, I love my job, I have to do it, I love to serve, then only you can work up to 20 hours or 22 hours, which I work. And for this reason, during my training period, there was a prestigious show. We all know that about Aero Swiping, which is held in Bangalore, most probably. So at that time, it was held in Bangalore and I got selected for Aero Swiping and I worked for 3 days, actually 3 days from morning 5 a.m. to night 12 p.m. Sorry, 12 a.m. I worked, yes. 3 days, I didn't sleep. एकदम फुल डे काम किया मैंने बिकॉज आई वॉज अ सुपरवाइजर एट दैट टाइम आई हैव टू ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड दे ट्रस्टेड मी ऑल्सो सो आफ्टर वन मंथ आई दे शिफ्टेड मी टू अ पार्ट एंड दिस पेंडेमिक देयर वॉज नो स्टाफ इन द पार्ट आई बींग अ फ्रेशर इट वॉज अ चैलेंजेस फॉर मी सो आई टूक द चैलेंज एंड आई फॉर वन डे I learned how to make cocktail, how to make dishes for cocktail, for mocktail, how to serve this. I took one day and then I run the bar alone for 1 month, from morning to night, because bar closes at 11 p.m. So that time it was little bit challenging. Sometimes I got scared because normally we serve drinks in between 15 to 20 minutes but at that time I was fresher so it took hardly 30 minutes and the guests were shouting at me then I tried to explain them that I am a fresher, I'm an intern over here, I'm learning, that's why it is getting late due to pandemic, so they understand. So from there I learned that communication is most important if you communicate with customers, if you explain them, they will understand because they are also a human being and I am also a human being. They are not a robot and we are not also robots. Yeah. So this is how I spent my training for 2 months in a bar and restaurant. Then the general manager of the staff of that hotel and food and beverage manager, they like my work and they tell me, no, you can't go in another department. This is actually true. They sent me to the banquet because normally at that time they don't allow any girls to work in banquet at night. So I worked because at that time there was a political party. So I worked over there. I worked with a Bangalore team. After that, I worked in a Persian cuisine restaurant. That is name is Persian Teddy. So I worked for 1 month. It starts from 2 p.m. to 2 a.m. Okay. So they are also different. The dishes is completely different. The language, how to serve, how to decorate the restaurant, how to communicate with the chef. Everything, the system is totally changed for Monday Cuisine restaurant. So they are also, it was a little bit challenging for me because there are different languages because the outlet is totally in Persian language. So first I have to learn Persian language, then because I love my job, so I overcome that. So after that, I went to front office. From front office, I worked for 4 days in front office because they don't allow any intern to work in front office, but I worked in back area. That is also a nice experience. I learned how to take the phone calls, how to take in-house phone calls, how to take an all the complaint of guest complaint, how to do billing. I learned over there. Then I went to spa. It's a complete different, complete outlet, I think. Complete department, which we don't learn in our courses. There I went and it's a complete new thing for me because I have to learn the name of spa, how to do, how to
explain the guest when they will ask me, because they will come and ask the receptionist. Sorry. So I learned, and this is how I completed my IT. It was a nice experience because I love my job and I have enjoyed it. So guys, आप देख सकते हैं कि देखिए, आपका अगर पैसन हो ना, कुछ भी चीज़ में अगर आपको पैसन हो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं. क्योंकि होटल मैनेजमेंट करना, होटल इंडस्ट्री में काम करना, नॉट ओनली कि किसी का बातों में आके या किसी का फोर्स में आके आप घुस रहे हैं इंडस्ट्री में. आपका अगर रियली में पैसन है ना, तब आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में. क्योंकि देखिए, ये खुद एक लड़की होके इतना घंटा घंटा काम करती थी, तो अगर दिल से अगर नहीं होता है, अगर पैसन नहीं होता है किसी काम को लेकर, तो वो संभव नहीं है, राइट? क्योंकि आप जैसे बोल रहे हैं कि एरोसो, तो मैंने भी अपना जब करियर स्टार्ट किया था, तो मेरा भी जब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग था JW मैरियट बेंगलोर, तो उस टाइम पे भी एरोसो था, तो मैंने भी सेम काम किया था आप ही के जैसे. सो बैक इन 2016. एंड Okay. और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ गाइस, कि देखिए, अगर सच में अगर आप दिल से पैशनेट होके काम करेंगे ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मतलब आपका जो इंटर्नशिप है वो अगर कंप्लीट करेंगे ना, तो आपको बेस्ट इंटर्न अवार्ड भी मिल सकता है. बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा, इंटर्न भी मिल सकते हैं. या सो सिर्फ ड्यूरिंग योर वर्किंग, आई वांट टू ऐड, ड्यूरिंग योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क फ्रॉम योर हार्ट, I must say you can get your offer later. Sure. Which I got from the hotel. Definitely. They offered me at that time. Though they know that I have not graduated, but still they want me, and they offered me with high salary. So if you one thing you should know, one is confidence, and second thing hard work, and third is loyalty. ये तीनों चीज़ आपका अगर है, तो आप कुछ भी कर सकते हो. ये नहीं कि आप होटल मैनेजमेंट किए तो सिर्फ होटल में काम कर सकते हो. अगर आप चाहते हो तो क्रूज लाइन में भी जा सकते हो, एयरलाइंस भी जा सकते हो, कुछ भी जहाँ चाहते हो आप वो भी जाते हो. तो आप लोग सुन ही सकते हैं कि ये आपके सामने एक जीता जाता एग्जांपल है गाइस, देखिए. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगे या कर रहे हैं, या मे बी जो लोग होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर देख रहे हैं, तो देखिए, इस तरीके से अपना काम को करना है, इस तरीके से अपना इंटर्नशिप कंप्लीट करना है. क्योंकि इस होटल मैनेजमेंट कोर्स में ना, ये 3-4 इयर्स का जो कोर्स पीरियड है ना, जो ड्यूरेशन है ना, इसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा अहमियत है. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ही है आपका. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जा रहे हैं काम करके आ रहे हैं, पैसन होना चाहिए और एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करना है, सीखना है. ओके, सो और कुछ एक स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे आप मेरे ऑडियंस को, जो लोग अभी फ्रेशर? हाँ, एक स्पेशल मैसेज जो फ्रेशर्स से मैं एक बात करूँ, वी आर नॉट अ रोबोट, वी आर ह्यूमन बीइंग. ये जो हमारा माइंड है, ये कोई रोबोटिक नहीं है कि अब सब माइंड में रख लोगे. तो जो ऑब्जर्व करोगे, जो भी सीखोगे ना, नया कुछ सीखोगे या कुछ भी, जस्ट कम होम एंड राइट इन योर diary or copy or anything, so that in future if you want to know, if you cannot remember, then at least you can see your copy or diary, then you can do that. So please aap jo observe karo aur wo likh lo, kyunki hum log ka mind robotic nahi hai. Ye main bolna chahti hu sabko, main bolti sab bolte ki ha hum mind pe lakh lenge, lekin baad mein wo hum log bhool jate. Ye bahut hi natural hai, hum log bhool jayenge kyunki robot nahi hai hum log. To yahi hai confidence, because confidence is the ultimate key you can wear anytime, anywhere. This is the special message. Communication के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं अपना juniors को specially? Communications, yeah. The main thing is communication. If you don't know anything, like मेरे experience था, my guest asked me to make an Bloody Mary cocktail, which I don't know at that time. So I asked that guest that could you please give me some time so that I can learn from my colleague or from my senior, then I can make you. It will take hardly 40 minutes. So I communicate with him and he understood that no, she is a fresher, she is an intern, she don't know. So communicate.
if you don't communicate, then they will don't know you. मतलब अगर आप भूल भी बोल रहे हैं, गलत कुछ गलत भी बोल रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस के साथ अगर बोलेंगे तभी प्रैक्टिस होगा. एटलीस्ट कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेट करो, या कम्युनिकेट करो, जितना कम्युनिकेट करोगे उतना ही आप जान पाओगे उसके बारे में. एग्जैक्टली, क्योंकि हर कुछ पीछे एक रीजन होता है, रीजन के बिना कुछ नहीं होता. तो वो रीजन जानने के लिए आपको कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा. कम्युनिकेशन इज द मेन थिंग. So thank you very much, Ankita, for coming. Thank you. Thank you very much, and I'm really honored. Yeah. Thank you. Thank you.